दोस्तों, सांप से जुड़े ऐसे कई रहस्य होते हैं जिन्हें जानने के बाद सभी दंग रह जाते हैं। वहीं लोगों के मन में ज़्यादातर ये सवाल भी उठता है कि क्या वाकई में सच में नागमणि होती है, और नागमणि से जुड़े ऐसी कौन कौन सी रोचक बातें हैं जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आपने कई बार कथाओं में सुना होगा कि नागमणि बहुत शक्तिशाली होती है। आमतौर पर लोगों के मन में ये सवाल भी चलता रहता है, क्या नागमणि हकीकत में होती है? आपको बता दें कि इन बातों का जवाब छुपा हुआ है एक ग्रंथ में। इस ग्रंथ का नाम है भृत्स संहिता। जी हाँ, इसमें कई बातों का जिक्र किया गया है। ग्रंथ भृत्स संहिता में उल्लेख मिलता है कि उनके अनुसार संसार में मणिधारी नाग मौजूद हैं। ऐसे नागों का मिलना दुर्लभ है, इसलिए कहा जाता है मणिधारी नाग नहीं होते हैं। अब सच जो भी है, लेकिन इस ग्रंथ के मुताबिक नागमणि के बारे में कई रोचक बातें भी सामने आ चुकी हैं। इस ग्रंथ में बताया गया है कि क्या वास्तव में नागमणि होता है। बता दें आपको कि सर्पमणि, जिसे नागमणि कहा जाता है, ये विशेष नाग के सिर पर मौजूद होती है। नागमणि में इतनी चमक होती है कि जहाँ पर ये होती है वहाँ आसपास रोशनी फैल जाती है। नागमणि मोर के कंठ के समान और अग्नि के समान चमकीली दिखाई देती है। नागमणि दूसरे मणियों से अधिक प्रभावशाली और अलौकिक दिखाई देती है। ये मणि जिसके पास होती है उस पर विष का कोई प्रभाव नहीं होता और ये रोग से मुक्त हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इसमें ये भी बताया गया है कि जिस राजा के पास नागमणि होती है वो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। इनके राज्य में समय से वर्षा होती थी और प्रजा खुशहाल भी रहती थी। दरअसल ये उस समय की बात है जब उन दिनों राजा महाराजा हुआ करते थे। ऐसे में नागमणि के बारे में इस ग्रंथ में ऐसा ही लिखा गया है। लेकिन आप क्या कहते हैं नागमणि को लेकर, ये आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ से। प्रांशी की रिपोर्ट।